है चुनावी शंखनाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में मेरी मौजूदगी है, जहां पर आखिरी चरण को यानी कि 1 जून को डाले जाएंगे वोट। बीजेपी और टीएमसी के बीच यहां की लड़ाई को लेकर होड़ मची हुई है। अपने अपने दावे, अपने अपने वायदों के बीच जनता किसको चुनेगी अपनी सरकार, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, अब जब आखिरी चरण में सिर्फ 2 चरणों का रण बचा हुआ है, 115 सीटों पर डाले जाने हैं मतदान, लेकिन उसके ठीक पहले नंबरों की लड़ाई शुरू हो गई है। हर एक दल ये बता देना चाहता है कि देखिए कैसे 5 चरणों में ही उसकी सरकार बन रही है और 6वें और 7वें चरण तो महज औपचारिकता भर है। इसके जरिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाए जाने की कोशिश है। आपको बताते चले कि अभी तक जिन जिन इलाकों में हुए हैं मतदान, वहां वहां को लेकर एक तरफ गृहमंत्री अमित शाह जो कि इसी पश्चिम बंगाल में हैं, उनकी ओर से हर एक चुनावी रैली में दावा किया जा रहा है कि 310 सीटों पर तो एनडीए को बढ़त मिल गई है, अब सिर्फ 400 पार होना बाकी है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की ओर से रैलियों में बताया जा रहा है कि मैं लिख लिख कर देने को तैयार हूं कि कैसे सरकार जा रही है एनडीए की और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। किसके दावे में कितना दम दिखता है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन नंबरों के होड़ में कौन आगे कौन पीछे, इसके पीछे की सियासत क्या कहती है, अपने अपने नंबर के जरिए मतदाताओं में किस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश बड़े नेताओं की ओर से की जा रही है, आज दिन भर इसको लेकर कैसी मची सियासत बताती हुई आज तक की यह रिपोर्ट देखिए। फिर एक बार देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। क्या बोला जाए, 140 करोड़ जनता इन्हें 140 सीटों के लिए कितना साथ दे। बीजेपी बड़ो जोर हो सकते पड़े आज इंडिया जो पड़े 295 থেকে 315। 2 चरणों की 115 सीटों पर मतदान से पहले नंबर गेम खेला जा रहा है। जितने भी दल हैं वो अपने अपने नंबर गिना रहे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, उस नारे को अब बीजेपी और धार दे रही है। फिर एक बार देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं, अब 6ठा और 7वां 400 पार का है, आपको मोदी जी ने 400 पार कराना। 2019 में 5वें चरण के चुनाव तक जो मतदान हुआ था उसमें एनडीए ने 273 सीट जीतकर बहुमत हासिल कर लिया था। तो फिर सवाल ये है कि क्या इसी आधार पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बार भी दावा कर रहे हैं। जहां 5 चरण तक 428 सीटों पर वोट हो चुका है, अमित शाह इसमें से 310 सीट जीतने का दावा कर चुके हैं। तो फिर सवाल ये है कि 400 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए बीजेपी को और कितना जोर लगाना पड़ेगा। कांग्रेस के शहजादे तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसके कारण राम मंदिर बना है, वो फैसला पलटना चाहते हैं। ये राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का सपना देख रहे हैं। ये रामलला को फिर से टेंट में भेजना चाहते हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के सभी बड़े नेता लगातार राम मंदिर, सनातन और हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे हैं और अपने अपने नंबर बता रहे हैं, मगर नंबर बताने वालों में विपक्षी दल भी पीछे नहीं है। अखिलेश यादव को सुनिए। 543 में 400 पार तो बची कितनी, 143 बची है तो कितनी हुई, 143 400 के पार 143 बची है आपकी। क्या आपको लग रहा है कि 140 करोड़ जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा रही। एक दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने नंबर बताए थे। उनका मानना है कि इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रहा है। जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है।
नंबर बताने वालों की रेस में राहुल गांधी भी पीछे नहीं है। ये अलग बात है कि वो अपने नंबर नहीं बीजेपी के नंबर बता रहे हैं। तो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी। मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहे कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। कांग्रेस तो यहाँ तक कह रही है कि पीएम मोदी जल्द ही पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी और इंडिया जनबंधन के घटक दलों को एक स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिलना तय हो चुका है 4 तारीख जून, और ये जो प्रधानमंत्री हैं जो प्रचार कर रहे हैं, जो झूठ की महामारी फैला रहे हैं, ये निवर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में कर रहे हैं। बीजेपी नारा दे रही है अब की बार 400 पार, और कांग्रेस कह रही है अब की बार 400 हार। अब की बार 400 हार नहीं समझ पाया भाजपा के लिए, अब की बार 400 हार। बताते चले कि 115 सीटों पर जब 2 चरणों में वोटिंग बाकी है तो इनमें से 43 सीटें अकेले यूपी और बिहार की हैं। आगे के 2 चरण में ही मोदी की वाराणसी है तो योगी के गोरखपुर में भी चुनाव होना है। अंतिम 2 चरणों में 115 में से 65 सीट बीजेपी 2019 में जीती थी। यूपी में अंतिम 2 चरण की 27 में से 7 सीटों पर 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बिहार में अंतिम 2 चरण की 16 में से 15 सीटें पिछली बार बीजेपी जेडीयू ने जीती थी। इसीलिए सारे दल पूरा दम लगा रहे हैं और भरोसे के साथ अपना नंबर बता रहे हैं। आज तक ब्यूरो। 25 मई और 1 जून को यानी कि 2 चरणों में अभी मतदान बाकी है। पश्चिम बंगाल की भी 17 सीटें हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे इन दोनों ही चरणों में। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जब पश्चिम बंगाल के बांकुरा पहुंचे तो उन्होंने किस तरह से दावा कर दिया है, बीजेपी का ये दावा है, यहाँ पर अलग अलग रैलियों में लगातार गृहमंत्री ये बता रहे हैं कि किस तरह से 42 में से 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने वाली है। उनके दावे का कितना दम दिखेगा ये सवाल बना हुआ है। लेकिन तमाम मसलों पर बातचीत की है मेरे सहयोगी सूर्याग्नि ने, सुनिए। केंद्रीय स्वराज मंत्री अमित शाह बंगाल पे यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। सर, 2021 से आपने सबसे ज्यादा मीटिंग कैंपेन सब की, 30 से 35 का आपने टारगेट भी रखा एक साल पहले, छठे चरण से पहले आपको क्या लगता है कितना नजदीक पहुंचे हैं बीजेपी आपके टारगेट पे? देखिए, हम 310 देश में क्रॉस कर चुके हैं और बंगाल में 7वां चरण आते आते 30 सीटें क्रॉस कर जाएंगे। सर, एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई पिछले हफ्ते ममता बनर्जी के एक बयान से, कार्तिक महाराज जो भारत सेवा संघ के एक साधु हैं उनके एक टिप्पणी के ऊपर से। इलेक्शन के पहले क्या आपको लगता है कि धर्म गुरुओं को लेके ऐसा कहना ममता बनर्जी का सही था? देखिए, ममता बनर्जी की मती मारी गई है, उनको भारत सेवा श्रम संघ का इतिहास मालूम नहीं है। आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है तो भारत सेवा श्रम के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद के कारण, उनके ही कारण हम आज बांग्लादेश में नहीं है। ऐसी पवित्र संस्थाओं पर आरोप लगाती है वो, कभी इस्कॉन पे लगाती है, कभी रामकृष्ण मिशन पे लगाती है, वो तुष्टिकरण में अपना आपा खो चुकी है। सर, आज ममता बनर्जी ने कहा है कि ओबीसी रिजर्वेशन को बीजेपी खत्म करना चाहती है, क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करने के लिए ढेर सारी मुस्लिम जातियों को अनधिकृत रीते गैर कानूनी तरीके से ओबीसी सूची में जोड़ा, इसलिए हाईकोर्ट ने स्टे दिया है, बीजेपी ने नहीं दिया है। ममता बनर्जी अगर एपीसमेंट न करती तो ये न होता। सर, आप उड़ीसा के भी बहुत दौरे कर रहे हैं, झारखंड के भी बहुत दौरे कर रहे हैं, क्या उड़ीसा में इस बार बीजेपी जिस हिसाब से चल रही है क्या इस बार निश्चित रूप से बीजेपी सरकार बनी? पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में मेरी भी मौजूदगी है, लेकिन आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, जहां की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है। आपको बता दें 6वें चरण में 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, उसके ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर खूब हमला किया, तो पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने भी दावा कर दिया है कि किस तरह से आजमगढ़ समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। कुल मिलाकर दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे हैं, किसके दावे का दम दिखेगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आजमगढ़ ये वो सीट है जब 2009 में बीजेपी ने जीती, 2014 में यहां से मुलायम सिंह यादव ने जीत हासिल की, 2019 में अखिलेश यादव जीते, लेकिन उपचुनाव में 2022 में दिनेश लाल निरहुआ ने बीजेपी के टिकट पर इस सीट को जीत लिया है। मौजूदा स्थिति क्या कहती है आजमगढ़ की, अब वो जानिए।
छठे चरण में जिन 58 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें यूपी की 14 सीटें भी हैं और उन 14 सीटों में से एक सीट है आजमगढ़। ये हॉट सीट है। कभी मुलायम सिंह यादव की यहाँ तूती बोलती थी, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था। इसी आजमगढ़ में दिग्गजों ने पूरा दम झोंक दिया है। योगी आदित्यनाथ जब आजमगढ़ प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी पर करारा वार किया कि जिन लोगों ने आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, ये आजमगढ़ को जिन्होंने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था, उसके कारण आप कहीं बाहर जाते थे लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे, आपके सामने पहचान का संकट था, अरे वो तो निरुआ गया। आज आप जाते हैं लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं, कहा अच्छा आजमगढ़ से जहां से निरुआ सांसद है। योगी के निशाने पर अखिलेश का परिवार था, वो जमकर बोले, रो में बोले, जोरदार प्रहार किया। ये जो सेफई परिवार आया है ना यहाँ पे, ये शोषण करने के लिए आया है, आपको ठगने के लिए आया है, फिर ये चले जाएंगे दोबारा, फिर यहाँ झांकने नहीं आएंगे। आजमगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ हैं। योगी ने बताया कि क्यों निरहुआ को फिर से जीत दिलानी चाहिए। समाजवादी पार्टी अपराधी पालती थी, अपराधियों की फैक्ट्री चलाती थी, माफियाओं की फैक्ट्री चलाती थी, और निरहुआ यहाँ पर संगीत महाविद्यालय के माध्यम से नए नए कलाकार पैदा करके भारत के संगीत जगत को एक नई ऊंचाई देने का काम करेंगे। एक तरफ योगी जोरदार प्रचार कर रहे हैं, दूसरी ओर अखिलेश यादव भी पूरा दमखम लगाए हुए हैं। अखिलेश दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का बोरिया बिस्तर बंधना तय है। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान हुआ ना शुरू हुआ है, आखिरी तक जब पूर्वांचल का चुनाव खत्म होगा और सातवें चरण खत्म होंगे, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। अखिलेश के साथ साथ डिंपल यादव भी आजमगढ़ में डटी हुई हैं। उन्होंने भोजपुरी बोलकर आजमगढ़ को अपने हक में वोट करने की अपील की। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने यहां से अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया है। उनके सामने बीजेपी से दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, जबकि बीएसपी की ओर से मशहूद अंसारी मैदान में हैं। बात अगर पिछले चुनाव की हो तो 2019 में अखिलेश यादव ने दिनेश लाल निरहुआ को यहां से चुनाव हराया था, मगर विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। और 2022 में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को निरहुआ ने मात दी थी। इस बार भी निरहुआ आश्वस्त है कि जीत उन्हीं की होगी। खिलसु हुए फरार निरहुआ डटल रहे, अब भौजी आवे चाहे भैया, वही आजमगढ़ जम के लड़ैया, आर वही चाहे पार फैसला अटल रहे। अखिलेश हुए फरार, धर्मेंद्र भी हुए फरार। आजमगढ़ में बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई है तो समाजवादी पार्टी के लिए साख की लड़ाई है। जाहिर सी बात है कि दोनों ओर से दम दिखाया जा रहा है। देखना होगा कि अब की बार किसका होगा आजमगढ़। आजमगढ़ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। अब भोजपुरी के सुपरस्टार निरहुआ का आजमगढ़ में क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बीजेपी जिसको जिताने का दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी ने अपने ही एक भोजपुरी स्टार पवन सिंह को अब पार्टी से कर दिया है निष्कासित। काराकाट से निर्दलीय वो चुनावी मैदान में थे। आपको बताते चले कि उनके सामने उपेंद्र कुशवाहा हैं, एनडीए के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। सहयोगी दल एनडीए के ही कुछ लोग कह रहे हैं दबी जुबान में कि ये कार्रवाई तो पहले ही कर देनी चाहिए थी। तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए ये आरोप लगाए हैं कि दरअसल बीजेपी के लोग ही उपेंद्र कुशवाहा को हराने में लग गए हैं। वहां की सियासत क्या कहती है, इस रिपोर्ट में जानिए। बिहार में बीजेपी पूरी ताकत झोंके हुए है।
क्योंकि टारगेट 40 की 40 सीटों का है। मगर बीजेपी के इस टारगेट पर आशंका बनकर छा गए थे पवन सिंह। पवन सिंह बीजेपी में तो थे, मगर आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना करने के बाद वो काराकाट सीट से निर्दलीय खड़े हो गए। पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा पर संकट गहराने लगा। आखिरकार बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीजेपी का फैसला आया तो पवन सिंह ने सोशल साइट पर एक पोस्टर शेयर किया जिसमें लिखा था, अपना कर्तव्य निभाएंगे, काराकाट को नया बनाएंगे। बीजेपी कह रही है कि पवन सिंह पार्टी के खिलाफ गए, इसलिए कार्रवाई हुई। स्वाभाविक तौर पर पार्टी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है तो पार्टी के स्तर पर ऐसी कार्रवाई होती है। मगर तेजस्वी यादव इस एक्शन को अलग दिशा दे रहे हैं। तो जो लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की, हो सकता है इस वजह से भाजपा दिखावटी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के लोग जो कुशवाहा जी को हराने के लिए कर रहे हैं।